सहारनपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है। लोग जो है वो मतदान करके वापस लौट रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर, आपने वोट डाल दिया, क्या मुद्दे रहे इस बार दिमाग में? नहीं, मुद्दे क्या, बस जो भी गवर्नमेंट है अच्छी आनी चाहिए, मतलब सबका सोचना। ये तो एक गवर्नमेंट क्या घर के जैसी होती है ना, जैसे बाप सबका ख्याल रखता है, ऐसे ही गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को सबका ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या, हमें तो रोज करना खाना है, बच्चों को पालना है, तो दिक्कत तो नहीं वोट करते? वोटिंग में तो बहुत अच्छा चल रहा, थोड़ी सी जरा प्रशासन की तरफ से थोड़ा ये है वो, जरा ये पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, बाकी वोटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी बैठे हैं। हाँ बिल्कुल स्लो, जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओवर अंकल है, अच्छा अच्छा वोट डाला है जी, वोट डाले जी, सब ठीक रहा जी, सब बहुत बहुत बेहतर है बहुत। क्या कुछ मुद्दे थे जब वोट डाले आपने? जी हमें छाड़ पड़ी थी मुद्दा तो हमारा बस ऊपर वाले सबको कामयाबी दी, जिसकी वजह से ऊपर वाला फैसला फरमाए। अच्छा। जी चलिए ठीक है, और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। आपने वोट डाल दिया? अच्छा, डालने जा रहे हैं आप? अच्छा, आपने वोट डाल दिया जी, क्या कुछ मुद्दे हैं दिमाग में इस बार? दिमाग में मुद्दे ये है जी सर, एक तो ये इस सरकार में प्रशासन वगैरह के लोग बहुत ज़्यादा मतलब खिलाफ हो गया है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अभी मैं अपनी वाइफ के साथ वोट डालने के लिए आया था, तो मैंने कहा मेरी वाइफ खड़ी है मुझे, और बल्कि दो तीन मारे भी मेरे, और मतलब परेशान कर रहे हैं हमें पार्किंग की वजह से जी। अच्छा। परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बात आदमी बात तरीके से करता है कि भाई चलो आप यहाँ नहीं खड़े करने के, ये मारने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर पार्किंग को लेकर समस्या थी, जिसको लेकर जो पुलिस कर्मी जो हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए थे, और कुछ लोगों का कहना कि अभद्रता हमारे साथ की गई है। काफ़ी बड़ा इलाका है, जेविन जैन इंटर कॉलेज है, और यहाँ पर बूथ जो है वो बना हुआ, आप देख सकते हैं कि पीछे भी लगातार लोगों में उत्साह है और वो मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो लोग मतदान कर कर वापसी आ रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया। क्या कुछ मुद्दे थे इस बार? हैं क्या कुछ मुद्दे थे इस बार चुनाव को लेकर? कैसी सरकार चाहिए? पंजा। चलिए ठीक है, वोट किया आपने जी, क्या लगता है इस बार? बस देखो बदलाव आवेगा। अच्छा। कुछ ना कुछ तो बदलाव आवेगा ही। अच्छा, कैसा बदलाव चाहते हैं? बस यही सरकार का ही और क्या। अच्छा चलिए ठीक है, और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपने वोट डाल दिया जी, क्या कुछ मुद्दे थे इस बार जब आप वोट करने के लिए गए थे? बस विकास के मुद्दे हैं जी अपने तो। अच्छा। कारोबार की लाइन सही हो जाए वो बढ़िया है। अच्छा। बेरोजगार बच्चे फिर रहे हैं सारे। अच्छा। बेरोजगार ठप बिल्कुल, कारोबार तो खत्म ही समझो। अच्छा। चलिए और लोगों से बात करेंगे, क्या आपके, आपने वोट डाला तो क्या कुछ मुख्य मुद्दा रहा होगा आपके जहन में? यानी कौन जीतेगा? जीतने मुद्दा क्या रहा, क्या चीज चाहिए, सरकार कैसी चाहिए आपको? हम तो जो है यही सरकार है जो अमन चैन है बिल्कुल। अच्छा। और कारोबार मिले और तालीम मिले हमारे बच्चों को। अच्छा। हाँ जी, हमारे रोड वगैरह सही हो। अच्छा जी, यही सब चीज़ें हैं जी। चलिए, आपने आपने वोट किया तो क्या कुछ था आपके दिमाग में जब वोट करने? कोई दिक्कत नहीं थी, बस यही दिक्कत थी बस के सरकार जीत जाए, बस जो भी हो, बस अमन सुकून रहे, भाईचारा रहे, और कुछ नहीं। बस कौन सी सरकार जीत जाए? बस कोई भी हो, सब अपने ही है। अच्छा। हाँ सारे अपने हैं, जो भी जीतते बेहतर ही है, बस काम अच्छे होने चाहिए बस सबके लिए जी। मुस्लिम महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह है देखने को मिल रहा है, वो वोट डालकर आ रही हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपने वोट डाल दिया अम्मा जी? हाँ, डाल दिया। क्या कुछ था दिमाग में जब वोट डाल लेंगे, क्या मुद्दे थे दिमाग में, क्या होना चाहिए, क्या बताएं भाई? कुछ तो सोचा होगा कि जब आप वोट डालने आए हैं तो कुछ तो सोचा होगा कि ये होना चाहिए हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। बस ये अच्छा होना चाहिए हमारे लिए भाई, मजदूरी हो, अच्छा तरह सारा काम बढ़िया होना चाहिए, ये है हमारे तो, जो भी सरकार हो बढ़िया हो। अच्छा, कोई भी सरकार? हाँ, अच्छी हो। वोट डाल दिया आपने? नहीं। अच्छा, अभी नहीं डाला आपने वोट डाल दिया, तो क्या कुछ सोचा था जब वोट डालने आए, क्या मुद्दे रहे होंगे आपके दिमाग में? कुछ जी, हमारे से कुछ नहीं पूछा। अच्छा जी, वोट डाल, क्या चाहते हैं कि सरकार कैसी हो? बढ़िया। अच्छा अच्छे सर। अच्छा ठीक है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जी, इमरान की चल रही इस टाइम। अच्छा। तो लहर सरकार कैसी चाह रहे हैं इस बार? इस बार तो कांग्रेस चाह रहे। अच्छा, क्यों बदलाव? क्यों बदलाव चाह रहे? बहुत पुरानी सरकार हो गई, अब कुछ महंगाई भी ज़्यादा हो रही, इसकी वजह से कांग्रेस को आना चाहिए। अच्छा। महंगाई कम करेगी और रोजगार देगी।
तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर आज वोट करने के लिए आए हैं उनके अपने तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, और कोई बदलाव की बात कर रहा है तो कोई मौजूदा सरकार से भी खुश है, अपने सबकी अपनी राय है, और लगातार उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान सहारनपुर में जारी है। जो पोलिंग सेंटर है उनके आसपास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस और PSC के जवान हैं वो तैनात है। इसके अलावा कई जगह पर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। जो अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में जाकर वो लगातार हर मतदान का स्थल का निरीक्षण भी जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से यह भी कह रहे हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग मतदान केंद्रों तक आएँ और अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि आज महापर्व है, मतदान का महापर्व है, और आज 24 का चुनाव हो रहा है। 24 के चुनाव में कौन बाजी जीतेगा ये तो 4 जून को तय होगा, लेकिन उससे पहले मतदाता जो हैं वो कहीं ना कहीं आज इस मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह से हैं, और सुबह करीब 5 बजे से ही वो लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए थे ताकि वो समय से वोट भी कर सके। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।